हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड सेल्फ केयर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी एक सीरीज चला रही हूँ, जिस सीरीज में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे हम फल सब्जियों और घर के मसालों और घर के अनाजों आदि के उपयोग से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भुने हुए चने या चने। इनसे हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं और हम अपने दिन प्रतिदिन के भोजन में चनों का उपयोग करते हैं। इसका सब्जी के रूप में या फिर हरे चने के रूप में या फिर आटे में मिलाकर बेसन के रूप में कई तरह से हम इसका इस्तेमाल अपने दिन प्रतिदिन के भोजन में करते हैं। तो चलिए आज मैं भुने हुए चने के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। भुना हुआ चना जो कि कवर सहित बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। भुना हुआ चना जो लोग बहुत दुबले पतले हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, वहीं जो लोग वेट गेन किए हुए हैं उनके लिए चने का छिलका उतार के खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। चने में प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। चना जो कि पाचन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, कैंसरस प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छे तरह से इन सभी में ये काम करता है। इसमें फैट बहुत कम होता है और इसमें बीटा कैरोटीन होता है, फॉलिक एसिड होता है, आयरन होता है। आयरन के कारण ये एनीमिया के पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। ये डायबिटीज़ के लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। यदि डायबिटिक पेशेंट को सादा गेहूं की रोटी ना देकर, क्योंकि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक होता है जिससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसलिए यदि उनको समान मात्रा में गेहूं का आटा, भुने हुए चने का आटा और जवा का आटा मिक्स करके तीनों की समान मात्रा और उसकी रोटी बनाकर दी जाए तो उनके लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। चने में कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है जो कि हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। जिन लोगों को भी यदि चने खाने से गैस बनती है तो उन लोगों को चने खाने से बचना चाहिए, उनको चने का सेवन लिमिट में करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे भुने हुए चने के कुछ औषधीय उपयोग। आशा करती हूँ कि आप लोगों को चने के औषधीय उपयोग पसंद आएंगे। यदि आपको फ्रेंड्स औषधीय उपयोग चने के जो आज मैंने बताए वो पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।